Hello everyone and welcome back to the Defense Academy. Here in this video, we people will be discussing how to handle fish market in GD, that is group discussion. As you people know कि आपके अभी जो आने वाले time में next month में जो है SSBs आ रहे हैं, ठीक है. So it becomes very much important कि अभी से आप अपनी socks pull up कर लें and definitely work hard to achieve your goal, that is those two stars, ठीक है. अभी से बढ़िया से काम करना शुरू कर देना है. डोंट टेक एनी चांस बिकॉज वी नो ऑलवेज के SSB इज़ द रियल टेस्ट, राइट. सो उसके लिए वर्क करना अभी से शुरू कर देना. सो यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा, वेन एवर यू आर हैविंग द ग्रुप डिस्कशन इन योर SSB, हाउ यू पीपल कैन हैंडल दैट ग्रुप डिस्कशन. अंडरस्टूड. सो बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप डिस्कशन कितनी बार होता है हमारे फुल SSB में. तो सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन आपका होता है स्टेज वन या फिर स्क्रीनिंग आप जिसे बोलते हैं, ठीक है. दैट इज़ द डे फर्स्ट ऑफ योर SSB, जिस दिन आपका स्क्रीन इन या फिर स्क्रीन आउट होना होता है, ठीक है. तो उस दिन जो होता है एक बार ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है और उस ग्रुप डिस्कशन का जो मोटो रहता है दैट इज़ टू कम टू ए कॉमन सॉल्यूशन और कॉमन स्टोरी, ठीक है. उसके बाद ग्रुप डिस्कशन आपको GTO टास्क में देखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल ग्रुप डिस्कशन के दो राउंड्स होंगे, ठीक है, दो बार करवाया जाएगा. उसके बाद जो GPE ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होगी GTO टास्क में, उसमें भी आपको ग्रुप डिस्कशन करना है. सो इट बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम बढ़िया से अपने GD की तैयारी कर लें. और सेकेंड चीज़, अगर देखो GD की तैयारी करोगे उसके साथ साथ आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो है जनरल नॉलेज, आपका जो है करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़, ये सब चीज़ें आपकी उसमें कवर हो जाएंगी. और ये सब चीज़ें हम लोग जो हमारा ऑनलाइन कोर्सेज रन कर रहे हैं तो उसमें भी SSB बैचेस में भी करवाई जा रही है. एंड हो दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड अभी जो सितंबर बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आज ही अभी के अभी ही इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करें सो दैट कि वी विल पुट यू इन दैट ग्रुप. अभी नेक्स्ट बात करते हैं. देखो अब बात करते हैं कि ये ग्रुप डिस्कशन बनाया क्यों गया है. बेसिकली जब भी SSB में कोई एक्टिविटी होती है उसके पीछे उनका जो आपके असेसर्स रहते हैं, बेसिकली दे आर चेकिंग द क्वालिटीज़ इन यू, ठीक है ना. वो चेक कर रहे हैं कि किस तरह की पर्सनैलिटी हो आप यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के थ्रू SSB में. सो वो देखना चाहते हैं. यहाँ पे आप पढ़ेंगे, योर ट्रू बिहेवियर कम्स आउट व्हेन यू आर अनॉयड, इरिटेटेड एंड नो वन इज़ लिसनिंग टू यू. मतलब कहने का है कि जब फिश मार्केट बना होता है ना ग्रुप डिस्कशन में, कि एक कोई पॉइंट बोल रहा है, दूसरा भी बोल रहा है, उसके ऊपर तीसरा भी बोल रहा है, तो उसी टाइम आप जो हैं अनॉय कर जाएंगे, इरिटेटेड फील करेंगे. और वही टाइम होगा जो आप रियल अपना बिहेवियर, रियल में आप अंदर से कैसे हैं वो दिखाएंगे. अदरवाइज़ नॉर्मल सिचुएशन में तो कोई भी नहीं दिखाएगा कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे गुस्सा आता है या फिर मैं चिल्लाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है ना. एंड दे वॉन्ट ए नॉर्मल पर्सनैलिटी बिकॉज दे हैव टू मेक यू एन ऑफिसर इन इंडियन आर्म फोर्सेज. तो उसके लिए बंदे में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट. सो उसके लिए ये फिश मार्केट इन द SSB स्क्रीनिंग टेस्ट डिस्कशंस इज़ डिज़ाइंड टू नो द ट्रू बिहेवियर ऑफ ए कैंडिडेट. तो बेसिकली ये डिज़ाइन कर रखा होता है आपका ट्रू बिहेवियर दिखे उनको उसके लिए, ठीक है. अदरवाइज़ ऐसा भी तो हो सकता है कि GTO आपको रोक दे. एंड समटाइम्स जब उनको लगता है कि हाँ अब दिख गया आपका बिहेवियर बहुत हो चुका है, देन दे स्टॉप यू देन एंड देयर. एंड कभी कभी वो डिवाइड कर देते हैं. लेट अस सपोज कि आप 12 बंदे हो एक ग्रुप में, तो वो बोलेंगे शे शे करके आपको ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे. उस तरह से भी करवाते हैं वो, ठीक है. अब बात आती है कि फ़िश मार्केट बन गई, कोई किसी की सुन रहा ही नहीं है, आपके जो हैं जो व्यूज़ हैं वो मिल रहे ही नहीं एक दूसरे से, तो उस टाइम पे क्या करेंगे आप लोग. तो पहली बात तो हमें ये याद रखनी है, हमें उस फिश मार्केट का पार्ट नहीं बनना है. मतलब कहने का कि अगर 5 बंदे जो हैं हमारे ग्रुप में पागलों की तरह एक दूसरे को कुछ बोल रहे हैं, पॉइंट्स दे रहे हैं उल्टे सीधे, तो हम क्यों बीच में इंडल्ज हों, ठीक है ना. हम तो एक OLQ वाले बंदे हैं, ठीक है ना. वी आर बेटर पर्सनैलिटी देन दोज हु आर नॉट लिसनिंग टू अदर्स. सो एक और चीज़ लीडरशिप स्किल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिसनिंग स्किल. अगर आपने लिसनिंग स्किल्स ही बढ़िया वाले नहीं है देन इट्स नॉट श्योर दैट कि आप में जो है आपके कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया होंगे. दैट आल्सो कम्स अंडर द कम्युनिकेशन स्किल. सो पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट ये होना चाहिए कि पहले दूसरा अगर बोल रहा है वही मस्ट हैव सम पेशेंस टू लिसन टू दैट पर्सन आल्सो, ठीक है. तो हमें पार्ट नहीं बन रहा है. वेट करें इफ़ दे स्टॉप और देयर टोन गोज लो. अभी थोड़ा सा वेट पॉज कर लेके देखें कि ये बंदे जो कर रहे हैं अभी इतना चिल्ला रहे हैं, वेदर दे स्टॉप
थोड़ी देर में रुक जाएंगे कि नहीं, या फिर उनका कोई टोन जो है जिस टोन में वो बात कर रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, वो टोन लो हो रहा है कि नहीं, उसके लिए वेट करें, ठीक है। और जैसे ही आपको पॉइंट या फिर मौका मिलता है उनका टोन नीचे जा रहा है, ठीक है, देन इन लाउड क्लियर वॉइस से जेंटलमैन वी आर वेस्टिंग अवर टाइम, बिकॉज वहाँ पे देखो ग्रुप डिस्कशन में मेन मोटो आपको कंक्लूड करना है या फिर नॉर्मल आपको टाइम फ्रेम के अंदर अंदर परफॉर्म करनी है एक्टिविटी। सो अपनी लाउड क्लियर वॉइस में ज़ोर से बोलना है, बट एट द सेम टाइम रिस्पेक्टफुल वे में होना चाहिए थोड़ा, ठीक है, ऐसा ना लगे कि यू आर जस्ट ऑर्डरिंग आर समथिंग लाइक दैट। तो उन्हें रियलाइज़ करवाना है कि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो वी मस्ट कंक्लूड द थिंग्स और वी मस्ट डिस्कस द थिंग वन बाई वन, लेट अस मूव टूवर्ड द गोल एंड हेल्प योर ग्रुप टू मूव फॉरवर्ड। अब इससे क्या आपका वहाँ पे पता चलेगा कि आप अपने ग्रुप को आगे बढ़ा रहे हैं, बिकॉज बेसिकली क्या है ये टास्क का अगर नाम सुने ग्रुप डिस्कशन, तो एज ए ग्रुप आपको डिस्कस करना है। अब कोई बंदा होगा कि जो खुद ही सब कुछ बोलता जाएगा, दूसरों को बोलने ही नहीं दे रहा, तो यू आर नॉट लेटिंग द टास्क टू गेट अकम्प्लिश्ड। माना कि मैंने आपको ज़्यादा पॉइंट्स है आपके पास, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू कीप इन कंसिडरेशन कि ये बात या टास्क क्या है। तो ग्रुप डिस्कशन है, वो ब्रीफिंग में भी बोलेंगे कि ईच वन यू ऑफ यू इज़ फ्री टू पार्टिसिपेट, तो हमें सभी को पार्टिसिपेट करवाना है। अगर कोई नहीं बोल रहा तो उसे भी लिफ्टअप करना है कि हाँ हर कोई बंदा कंट्रीब्यूट करे एक ग्रुप में, ठीक है, ये चीज़ है। और नेक्स्ट, एंड वट एवर यू से इट मस्ट बी लाउड इनफ बट विद रिस्पेक्ट। तो वही चीज़ है, ग्रुप डिस्कशन में अपना होल्ड आपका तभी बना रहेगा अगर आप लो वॉइस में बोलेंगे ना, तो नो बडी विल बी एबल टू लिसन टू यू, बिकॉज बहुत ही बगदड़ टाइप मची होगी ग्रुप डिस्कशन में। सो इट इज़ एडवाइसेबल दैट यू मस्ट बी हैविंग ए वेरी लाउड वॉइस, बट एट द सेम टाइम एक रिस्पेक्टफुल वे में, एक जेंटल वे में, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर एंड यू आर ए जेंटलमैन, सो क्यों ना एक जेंटल वे में बात करी जाए। बट हाँ, एक फौजी हो तो फौजी के नाते वी नीड टू बी वेरी मच लाउडर देन द सिविलियंस। फिर पुट योर पॉइंट विद लॉजिक एग्जाम्पल एंड फैक्ट्स। और जैसे ही आपको मौका मिल रहा है, फिश मार्केट थोड़ा सा लो हो गया उनका टोन या वो रुक गए, तो अपना पॉइंट्स रखो, बैक आ जाओ, दो से तीन बार तो कम से कम जाना ही है जीडी में, ठीक है। और अपना वही है, कोई भी देखो आप चीज़ बोलेंगे ना उसकी एक एग्जाम्पल भी साथ में रख देंगे तो वो एक बढ़िया वाला पॉइंट बन जाएगा, या फिर आपके पास कोई फैक्ट है उसके रिगार्डिंग फैक्ट रख दो बढ़िया वाला, नोबडी विल बी एबल टू क्रॉस योर पॉइंट, कोई भी आपका पॉइंट क्रॉस नहीं कर पाएगा। बट हाँ, अगर नॉर्मल पॉइंट रख रहे हैं, बैक आ जा रहे हैं, मे बी देर आर द चांसेस दैट कि अदर पर्सन हु इज़ सिटिंग ऑन द अदर साइड ही कैन क्रॉस योर लॉजिक और ही कैन क्रॉस योर पॉइंट, तो उस पॉइंट को क्रॉसिंग रोकने के लिए हम हमेशा एक लाइन बोलें विद दैट वी कैन प्रोवाइड द एग्जाम्पल, या किसी भी वे में लॉजिकल वे में उसे रिलेट करके दिखा दें, सो दैट कि वो बंदे जो आगे वाले हैं वो समझ जाएं, यस हाँ ये तो इसने जेन्युइन बात बोली। तो डेफिनेटली जब उनको लगेगा कि हाँ इसने ये जेन्युइन बात बोली, लॉजिकल बात बोली, एग्जाम्पल के साथ बोली, फैक्चुअल बात बोली, तो नोबडी इज़ गोइंग टू क्रॉस योर पॉइंट, ठीक है ना। और हमें उनके साथ मुंह लगाना है क्यों, हमें अपना पॉइंट देना, हम कंट्रीब्यूट करेंगे ग्रुप के लिए आगे बढ़ाने के लिए, दैट वी हैव डन, ये चीज़ आपको कंसीडरेशन में रखनी है। एंड नेक्स्ट थिंग, जिसको भी अभी ऑनलाइन SSB का कोर्स ज्वाइन करना है तो अभी आप जल्दी से कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट 8120745966 हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर, बिकॉज अभी जो है एक दो दिन के अंदर अंदर हम जितना कैंडिडेट्स लेने होंगे वी विल टेक, अदरवाइज वी विल स्टॉप द दिस टेकिंग द कैंडिडेट्स इन द सितंबर बैच, ठीक है। सो उस बैच में होगा क्या क्या, अगर मैं SSB बैच डिफेंस अकेडमी ऑनलाइन SSB कोर्स की बात करूँ, तो उसमें आपको स्टेज वन की पूरी गारंटी मिलेगी, OER एंड PPNDT प्रैक्टिस करवाई जाएगी विद इंडिविजुअल फीडबैक्स, ठीक है। आप हर एक बंदे को फीडबैक दी जाएगी, उसको बताया जाएगा उसके पॉइंट्स फॉर इंप्रूवमेंट, कहाँ कहाँ आप लैग कर रहे हैं, किधर आपको ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, और 24/7 अवेलेबिलिटी, कभी भी आपको कोई भी दिक्कत आ रही है SSB की तैयारी में आप कंसल्ट कर सकते हैं हमारे फैकल्टी टीचर्स के साथ। उसके बाद साइकोलॉजिकल जो होंगे टैट वैट SRT SD ये सब प्रैक्टिसेज करवाई जाएंगी, इम्प्रूवन करवाई जाएगी, एक्स्ट्रा इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे, एक्स्ट्रा PIQ क्लासेस करवाई जाएंगी आप सबकी, ठीक है। और जिधर जिधर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी वो पॉइंट फॉर इंप्रूवमेंट फिर दोबारा से आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी, और इंटरेक्टिव GTO सेशंस तो होंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो टाइमिंग रहेगी दैट विल बी कैटर्ड, टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग होगी, आपको जैसे सूटेबल लगता होगा अकॉर्डिंगली आपको क्लासेस प्रोवाइड होंगी। तो टाइमिंग का इशू का टेंशन मत लेना, बिकॉज क्या होता है देखो SSB एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट है, तो इसके लिए आपको कंटिन्यू वर्कआउट करना अपने पे ज़रूरी है। सो वाई टू वेस्ट योर लीव,
लीव वेस्ट ना करें, डेली बेसिस पे क्लास अटेंड करें लाइव, और डेफिनेटली देखो आपको वैसा माहौल वैसा एटमॉस्फेयर यहाँ मिल जाएगा जिधर आप अपनी क्वालिटीज़ को और बढ़िया बना सकते हैं, और आपको गाइडेंस के लिए भी आपके जो है इंस्ट्रक्टर्स रहेंगे आपके साथ। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग फॉर द SSB ऑफ ACC 124 एंड 125, सो दैट कि आप बढ़िया से अपनी तैयारी यहाँ अपनी जॉब करते करते ही कर लें और बढ़िया से अपनी लीव भी इंजॉय करें जब लीव जाना होगा आपको, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको बता देता हूँ ACC 126 रिटर्न एग्जामिनेशन का भी फुल कोर्स शुरू हो रखा है, एंड दोज ऑफ यू वांट टू एनरोल फॉर दैट आल्सो, तो उसके लिए भी आपको हमारे डिफेंस एकेडमी के इसी नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 8120745966, एंड मोस्टली कैंडिडेट्स सिंपल कॉल कर देते हैं, सो प्रेफरेबली व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल करें सो दैट कि इन केस यू आर नॉट बीइंग एबल टू टॉक मच, कई बार ऐसा होता है आप ड्यूटी वगैरह पे होते हैं तो मैं अब आपको व्हाट्सएप रिवर्ट बैक कर सकता हूँ, तो प्रेफरेबली व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल किया करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।